दिल्ली की पूनम गर्ग ने मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस शो में द अचीवर 2024 का टाइटल जीता। जी हां, आपको बता दें कि पूनम इन दिनों फैशन इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ रही है। वहीं हम आपको बता दें कि ओम क्रिएशन कंपनी की संस्थापक और मालिक के रूप में कोलकाता में जन्मी पूनम की यात्रा दिल्ली के सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती बनने तक प्रेरणादायक रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ जितेश अनेजा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में रहने वाली पूनम, जिन्होंने हाल ही में ब्यूटी प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी मेहनत से कामयाबी को भी हासिल किया। चलिए सीधी बात करते हैं इनसे, क्या कुछ कहती है प्रतियोगिता के लिए, कौन सा खिताब इन्होंने जीता, किस प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया, वो इनसे खास बातचीत करती है। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। नमस्कार जी। पूनम जी, मैं बात करूं, हाल ही में आपने जिस ब्यूटी प्रतियोगिता में भाग लिया उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन सा शो था, कैसा एक्सपीरियंस रहा और कौन सा खिताब आपने जीता? मैंने अभी दिल्ली में पार्टिसिपेट किया था मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस में, और उसके अंदर मुझे मिला द अचीवर 2024 का अवार्ड। और उन्होंने मुझे, मतलब जो हमारा पूरा जर्नी था, द डे आई हैव रजिस्टर माई सेल्फ फॉर दैट, फ्रॉम देम टू द टाइम आई हैव रिसीव द अवार्ड, द होल जर्नी वॉज वेरी 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 गुड, फैंटेबुलस, एंड एक्चुअली आई एन्जॉयड द जर्नी। इट वॉज हेक्टिक बट इट वॉज ऑल्सो द एन्जॉयफुल जर्नी, इवन इट वॉज फुल ऑफ लर्निंग। आई हैव गॉट वेरी गुड मेंटर्स ओवर देयर हु हैज टॉट मी मेनी थिंग्स, सच एज डॉक्टर सागर फ्रॉम मुंबई, लाइक डॉक्टर सागर फ्रॉम मुंबई, देन रीटा मैम वॉज देयर, रीटा गगनानी, एंड इवन रितिका मैम, एंड इवन सुदर्शन सर वॉज देयर, विशाल सर वॉज देयर, एवरीबडी वॉज सो गुड मेंटर्स एंड दे हैव टॉट अस अ लॉट, एंड आई इवन हैव गॉट मेनी गुड फ्रेंड्स ओवर देयर एज माई को कंटेस्टेंट्स, एंड द जर्नी वॉज फुल्ली एक्साइटेड, एंड द फीलिंग ऑफ वॉकिंग ऑन द रैम्प वॉज सो सो गुड, इट वॉज जस्ट लाइक अ क्वीन। पूनम जी, 3 से 4 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में, कंपटीशन कितना टफ रहा, कितने राउंड से आपको गुजरना पड़ा, और जब आपको वो टाइटल मिला उस वक्त का मोमेंट कैसा रहा आपके लिए? एक्चुअली ये प्रतियोगिता, इट वॉज नॉट फॉर 3 to 4 days, इट वॉज ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ, बिकॉज वेन वी गॉट रजिस्टर्ड, वेन वी गॉट इन द फाइनलिस्ट, वेन वी वेर सेलेक्टेड एज अ फाइनलिस्ट, आफ्टर दैट वी हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन, एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन the journey started, we have to do the task from our end and we have to submit it online, so the task was started from there only the time we have got in the finalist list, so we have started the task from that day only, and it was very good, it was very exciting and a new experience which I have got over there, and they have judged us from the day we have got registered as a finalist, from that day they are starting judging us with our each and every task, and there were many rounds which we have gone through during our period we were spending at our home, and later when we visited over there for 3 days and 3 to 4 days over there, also many rounds were there, like talent round, then sports round. In this way there were many rounds and we have to perform in different way in different rounds, and it was all very different, and our co-contestants which were together with us, they, everybody was with different talents, and all the hidden talents from everybody was coming out over there with the different rounds, and we can see that our Indian women has so much talent which are hidden, and they are giving us this platform where which we can show our talents, we can find our own talents which we even don't know that we have it. पूनम जी, हमने देखा कि देश विदेश के अलग अलग कोनों से महिलाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, और उन सबके बीच आपने कामयाबी को हासिल किया। जो वो बाकी महिलाएं थी, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ नए दोस्त मिले होंगे, कुछ नया फील्ड आपको जानने को मिला होगा? हाँ जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। या देयर वेयर कंटेस्टेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड इवन आउटसाइड इंडिया, सो एवरीबॉडी वेयर वेरी गुड एंड वेरी फ्रेंडली, and the best thing I found was that when we went over there on 8th of August,
we were total 26 contestants over there, but out of 26, only I was the person to whom everybody knew by face and by name. I was surprised and shocked to see that I was known by face and name with everyone, but other 25 was not known to each other by face or by name, but everybody was talking to me by taking my name. Then I was also shocked when 3-4 contestants do that. I didn't got surprised, but everybody was doing this. Then I asked them that how you people all know me by my name and face as we are meeting for the first time. This was the really great experience that everybody was known. Everybody knew me before I went over there. So I asked them the reason. So they told me the way you were participating in the online sessions and the way you were doing your work, and along with that you were attending the sessions, the multitask which you were doing, we were very much appreciated by that, and that's why your image was set in our mind, and you was the person who was having all the informations related to peasant and everything. If anybody has any doubt, they can come to you and ask you. So that's why your name and your face is recommendable by everyone. So this was also one of the achievements which I have got on the day one when I went over there with my co-contestants. So that was really a very good experience, and I thank God that he has given me such talents that everybody is impressed by that, and I am able to make my place, my identity with my work, not with anybody reference. चलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इतनी बड़ी प्रतियोगिता के पीछे जिनका हाथ है, इनके ऑर्गेनाइजर को लेके? दे वेर वेरी गुड, वेरी सपोर्टिव. रितिका मैम, विनय सर, ऑल वेर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी कोऑपरेटिव, एंड दे वेर गाइडिंग अस वेरी नाइसली थ्रू आउट द पेजेंट जर्नी from the day one till the day we have achieved the award, and the one according to them, those who are the finalists, they were already the queen because they have selected 26 participants from so many of them. So we were already got first, our first achievement that we have got to the finalist round, and then over there we have spent our journey together for 3 to 4 days, and we have experienced different things, and they have supported us in each and every way, and they have guided us in a best way. Even they have provided us the best mentors to guide us over there, and I like the BMW session of Mrs. Rita Gagwani, and I will never forget that session in my whole life. Even Dr. Sagar has given us the very good informations regarding our dental health, and that was also very useful. I shared it with my kids also after coming over here. And Dr. Sudarshan, he also Sudarshan sir, he also given us so much good advice, and I tried my best to be the real of me over there, not the real, because I believe the real is the best thing which you can show yourself when you are participating in such a pageant or in your actual life. And I don't want to be a real anywhere. I want to be real Poonam everywhere. And with real Poonam only, I have started my journey from my childhood, and till now I am getting all the success with the real Poonam and not the real Poonam. जी, चलिए पूनम जी, अब मैं बात करूँ आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेके. जहाँ तक हमें पता चला है कि इसके अलावा भी आपने कई सफलता को हासिल किया है और अलग अलग क्षेत्र में भी आपने काम किया है, अब मैं उसको लेके बात करूँगा. उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, माय पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी ऑल द टाइम फ्रॉम माय चाइल्डहुड. दे हैव मोटिवेटेड मी टू गो टू एवरी फील्ड, एंड दिस लीड मी टू द ऑलराउंडर अचीवमेंट. एंड आई हैव लर्न स्विमिंग. आई वाज अ स्विमर, आई वाज अ स्केटर, इवन आई कैन डांस नाउ ऑल्सो विद स्केट्स, एंड इवन आई एम अ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, एंड इवन आई हैव गॉट मेनी अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर दैट ऑल्सो. आई एम अ आर्टिस्ट. I have got the medal from Delhi UCBC board when I was in school to Kolkata, and even I am a dancer, and dance is my passion. So from childhood I used to dance, and even I used to learn by seeing the dances, not only by learning from teachers.
एंड द ब्लूमिंग बर्ड हैज़ प्लेड अ वेरी वास्ट रोल इन माई दिस ऑल राउंडर अचीवमेंट्स बिकॉज ओवर देयर दैट वॉज अ इंस्टीट्यूट इन कोलकाता वेयर आई हैव लर्न मेनी थिंग्स लाइक आर्ट डांस एंड भरतनाट्यम क्रिएटिव डांस देन ब्रेक डांस दिस ऑल आई हैव लर्न इन ब्लूमिंग बर्ड एंड आई विल नेवर फॉरगेट द ब्लूमिंग बर्ड इंस्टीट्यूट बिकॉज इट हेल्प मी अ लॉट एंड दे हैव गिवन अस द प्लेटफॉर्म फ्रॉम माई चाइल्डहुड एंड दैट वॉज द रीज़न दैट आई वॉज नॉट स्केयर्ड विद द प्लेटफॉर्म्स बिकॉज आई डोंट हैव अ स्टेज फियर बिकॉज आई हैव वॉज डूइंग दिस फ्रॉम माई चाइल्डहुड इवन आई एम अ इवेंट ऑर्गेनाइजर आई एम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विद द फर्म नेम ओम क्रिएशन विच आई हैव स्टेब्लिश्ड माई ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी बॉडी आई हैव स्टेब्लिश्ड इट एंड माई पेरेंट्स वे आर ऑलवेज द सपोर्टिव पिलर फॉर मी इवन माई गुरुजी शी हैज़ taught me such lessons which I continue with my life and I always follow that which helped me to reach up to the highest level I can. पूनम जी, एक महिला होने के बावजूद भी आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सफलता को हासिल किया है और आज आप उस मुकाम पे हो जहाँ पे पहुँचना कोई आसान बात नहीं, तो इन सब के बाद अब आप बाकी महिलाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? I just want to inspire everybody with my journey that the woman's life doesn't end with the marriage and the kids. They have much more to do. They can live for their dreams along with the responsibilities they have. Even I have two small kids and it's very difficult to settle the business again in a new city, new place with new peoples around having the small kid with you. But I have taken this challenge positively and I have done it. So in the same manner, every woman can do it. And every woman, not everybody, can do it. They can find out their inner talents and they can live for their dreams along with their responsibilities if they want to. Because I believe that impossible itself is possible. So if you try your best, you can achieve it. Thank you so much, Poonam ji, humse khas baatchit karne ke liye aur apni journey, apni safalta aur apne experience ko share karne ke liye. Aur hum aasha karte hain ki is interview ke baad un mahilaon mein bhi एक उम्मीद आएगी जो महिलाएं कुछ बनने का सपना देखती हैं और आपसे काफ़ी कुछ सीखने को उनको मिलेगा. मैं उनको ये भी बोलना चाहूँगी दैट आई फॉलो 3 P's इन माई लाइफ विच हेल्प मी टू कम आउट विथ एवरी स्ट्रगल एवरी प्रॉब्लम विच इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी और एवरी चैलेंजेस विच इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी. दैट 3 P's आर पॉजिटिव थिंकिंग, पेशेंस एंड परफेक्ट प्लानिंग. दिस 3 P's हेल्प मी टू कम आउट विथ एवरी चैलेंजेस विच आई गेट इन माई लाइफ. And I think we can set an example for our kids also by doing all this and by achieving all the success, because they will see you and they will learn that how we can manage everything all together with a very very fine manner and get a success also. जी, धन्यवाद पूनम जी हमको अपना समय देने के लिए और अपने बारे में इतना कुछ बताने के लिए और बाकी लोगों के लिए, बाकी महिलाओं के लिए संदेश को देने के लिए. आई एम ग्लैडफुल टू दिल्ली एक्सप्रेस एंड टू द मीडिया ऑल्सो फॉर हैविंग दिस इंटरव्यू एंड फॉर गिविंग देयर प्रीसियस टाइम टू मी. जी, थैंक यू सो मच मैम. मैं आप सभी से ये संदेश है कि अपने हौसलों को ये ना बताओ कि मुसीबतें कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुसीबतों को ये बताओ कि आपके हौसले कितने बड़े हैं. धन्यवाद.